दोस्तों, दिन भर की खबरों का सुबह तक इंतजार क्यों? रोज रात 8:08 हमारे साथ। मैं हूं रमू सिंह, रोज के ताजा समाचार, इंटरव्यू, विश्लेषण और नए फीचर्स के साथ। मुख्यमंत्री कमलनाथ मैहर से भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी के गृह ग्राम लटा गांव पहुंचकर उनके वयोवृद्ध पिता स्वर्गीय श्याम सुंदर त्रिपाठी के निधन पर शोक व्यक्त किया और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। लगभग एक साल से ऊपर होने को आया मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने, पहली बार कमलनाथ सतना आए। सतना के लोगों को सीएम कमलनाथ से कुछ अधिक ही उम्मीदें थी। लोगों को लगा कि सीएम मंच से ही डब्बू कुशवाहा को कैबिनेट और नीलांशु चतुर्वेदी को कम से कम राज्य मंत्री घोषित करके जाएंगे, मगर लोगों को निराशा ही हाथ लगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद, एक साल की प्रदेश सरकार हो जाने के बाद पहली बार कमलनाथ सतना आए। उनके साथ कई मंत्री भी थे। सभी को भरोसा था सीएम कमलनाथ कोई तो बड़ी सौगात सतना को देकर जाएंगे, मगर सीएम कमलनाथ ने एक लाइन की बात कहकर सभी को निराश कर दिया। सीएम कमलनाथ ने कहा कि घोषणाओं की नहीं, वचन की है मध्य प्रदेश सरकार। विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू ने मंच से सतना में विश्वविद्यालय और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की मांग की। डब्बू की इस मांग का समर्थन प्रभारी मंत्री लखन घनघोरिया ने भी किया। चित्रकूट विधायक नीलांशु चतुर्वेदी ने तो यहां तक कहा कि एक तरफ चित्रकूट में कांतानाथ और बिरसिंहपुर में भगवान शंकर जी का मंदिर गैवीनाथ और उनके बीच में है कमलनाथ, लेकिन कमलनाथ कहीं कुछ नहीं पिघले और वो एक शब्द बोलकर नहीं गए। मंत्री कमलेश्वर पटेल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह, पूर्व मंत्री शहीद अहमद, पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह रीवा, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा सहित अनेकों लोग मंच पर उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में शामिल कई लोगों के जेब कटने की घटनाओं से हल्ला मच गया। कार्यक्रम स्थल के बाहर खाने के पैकेट पाने के लिए मारामारी मची। भाजपा के 8-10 लोगों ने कमलनाथ मुर्दाबाद के नारे लगाए, जिन्हें पुलिस पकड़कर ले गई। 15 साल के भाजपाई शासन में शायद किसी कांग्रेसी ने मुर्दाबाद बोला हो। मध्य प्रदेश के इंदौर में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सहित 350 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इन सभी पर धारा 144 का उल्लंघन करने और संभागीय आयुक्त आकाश त्रिपाठी के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के आरोप हैं। इसके अलावा कांग्रेस के लोगों ने इंदौर में माचिस बांटी। माचिस पर कैलाश विजयवर्गीय की फोटो छाप कर लिखा गया था कि यह शहर में आग लगाने के काम आती है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि कालाकार जी हताश और भटके हुए हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कोई नपुंसक नहीं लगा सकता है इंदौर में आग। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसकी तैयारियों में भाजपा नेता जुट गए हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं राहुल प्रियंका केजरीवाल ने दिल्ली में दंगा करवाया। गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान में दम है तो फिर वह लाचार या कमजोर गृह मंत्री हैं। उन्हें चाहिए कि वह इन तीनों पर दंगा कराने का मामला दर्ज कराएं। देश के गृह मंत्री अगर चुनावी बयानबाजी इस तरह कर रहे हैं तो फिर यह उचित नहीं है। राजस्थान के कोटा में बच्चों की मौत पर हो रहे राजनीतिक बवाल के बाद एक खबर यह भी आई है कि गुजरात के राजकोट और अहमदाबाद में भी एक महीने में 196 बच्चों की मौत हुई है, जिसमें राजकोट में 111 और अहमदाबाद में 85 मासूमों ने सिर्फ दिसंबर माह में दम तोड़ दिया है। चलिए अगर अगली खबर की ओर चलते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार तीसरे दिन भी बढ़ी। मेरा मानना है कि देश में अभी कहीं भी चुनाव नहीं होने वाले हैं, इसलिए कीमतें बढ़ाई जा सकती हैं। आखिर चुनाव के समय पेट्रोल डीजल की कीमतें घटने कैसे लगती हैं, यह जनता को खुद समझना होगा और सरकार से सवाल पूछना होगा। यूपी में लश्कर के 2 आतंकी घुस आए हैं। गोरखपुर जोन में हाई अलर्ट जारी किया गया है और तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया गया है। दक्षिण भारत से जुड़े
दो आतंकियों के पड़ोसी बस्ती रेंज तक आने की खबर से सतर्कता बढ़ा दी गई है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक दक्षिण भारत से जुड़े दोनों आतंकियों ख्वाजा मोइनुद्दीन व अब्दुल समद की पहचान के साथ पुलिस ने फोटो भी जारी की है। एक और खबर है, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने घोषणा की है कि उनका राजनीतिक कार्य समूह राष्ट्र मंच संशोधित नागरिकता कानून CAA वापस लेने की मांग करते हुए मुंबई से दिल्ली तक भारत जोड़ो यात्रा 2020 निकालेगा। यह यात्रा लगभग 3000 किलोमीटर चलेगी। 21 दिवसीय यह यात्रा 9 जनवरी को शुरू होगी और 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्य तिथि के दिन दिल्ली में राजघाट पहुंचेगी। इस घोषणा के मौके पर अभिनेता व कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री सुरेश मेहता भी मौजूद थे। यह यात्रा 6 राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली होकर गुजरेगी। यशवंत सिन्हा ने कहा है कि राजनीतिक दल, सामाजिक कार्यकर्ता, पेशेवर व्यक्ति, संगठन और बुद्धिजीवी आदि इस यात्रा में शामिल होंगे। एक खबर बिहार से आ रही है कि लालू और नीतीश क्या फिर एक साथ होकर लड़ेंगे बिहार में चुनाव। राष्ट्रीय जनता दल राजद नेता रघुवंश प्रसाद ने कहा है कि सभी गैर भाजपा दलों के लिए यह जरूरी है कि वह साथ आए। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। झारखंड की तर्ज पर भाजपा को हराने के लिए राजद राज्य के अपनी पुरानी सहयोगी पार्टियों के साथ जाने के लिए तैयार है। मैं रम्मू सिंह, मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा यह कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स देकर बताएं। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। What we do here is go back.